गुलबर्गा शहर के यतीमखाना अंजुमन अंसारुसफा में हर साल की तरह इस साल भी जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मैनेजिंग कमेटी के अलावा तमाम यतीमखाना के मेंबर्स मौजूद थे। इस मौके पर यतीमखाना कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब मजहर हुसैन एडवोकेट की जानिब से अपनी सदारत में किए गए डेवलपमेंट वर्क, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बजट और तमाम तफसीलात जनरल बॉडी मेंबर्स के सामने रखे गए। यतीम खाना अंजुमन अंसारुसफा एक ऐसा इदारा है जो पूरे हैदराबाद कर्नाटका में एक मॉडल इंस्टीट्यूट के तौर पर देखा जा रहा है। इस जनरल बॉडी मीटिंग में तमाम मेंबर्स ने अपने अपने मशवरे रखे और मजहर हुसैन एडवोकेट और दीगर मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदारों ने तमाम मशवरों को सुना और आगे इन मशवरों पर इम्प्लीमेंट करने का भरोसा दिलाया है। और इस मौके पर मजहर हुसैन एडवोकेट ने गुलबर्गा शहर की आवाम से गुजारिश कर कहा, अपने आसपास अगर कोई यतीम यसीर मुस्तहिक बच्चे हैं तो उनको यतीम खाना में शरीक कराएं ताकि उन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सके। हॉस्टल में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में, उनको अलग अलग मुख्तलिफ अच्छे स्कूलों में उनको एडमिशन कराए हैं। जैसे इंजीनियरिंग में 4 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारे पास 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जिसमें KCT में 3 बच्चे हैं और अप्पा कॉलेज में 1 लड़का है। तो डिप्लोमा में 1 जो NV पॉलिटेक्निक कॉलेज में पॉलिटेक्निक में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग में 1 है, वो DSR प्राइमरी इंस्टीट्यूट में है। नर्सिंग में 5 बच्चे हैं, जो अलकरम में 3 और KBN में 2 बच्चे वहाँ पर नर्सिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं। MSc में 1 है जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में है, और PUC फर्स्ट ईयर में 7 बच्चे हैं, जो अल शरय में 5, नेशनल PU कॉलेज में 1, नेक्स्ट जनरेशन में 1। 1-4 में 14 बच्चे हैं, जो अल हुदा इस्लामिक स्कूल में हैं। 5-7 जो है 9 बच्चे हैं, जिसमें यर्मी में 3, सागर पब्लिक स्कूल में 2, गुलशन अतफाल में 2, इनामदार कॉलेज में 2। 8-10 के जो है 8 बच्चे हैं, जो NV कॉलेज में 3, इनामदार पब्लिक स्कूल में 3, सागर पब्लिक स्कूल में 1, गुलशन अतफाल में 1। जुमला 50 बच्चे यहाँ पर हैं और उनको जो है देख बराबर उनको सुपरवाइजिंग किया जा रहा है, अटेंडेंस हो रहा है, बच्चे रेगुलर जा रहे हैं, कैसा ये कर रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम, क्योंकि दूसरे स्कूल हैं, दूर दूर है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतज़ाम मैनेजिंग कमेटी की जानिब से किया जा रहा है। और उसको जो सुपरवाइज हमारे जो हॉस्टल के जो वार्डन हैं उनको जाकर स्कूल को मिलते हैं, टीचरों को मिलते हैं, हेडमिस्टर को मिलते हैं, वहाँ से उनका पूरा डिटेल लेकर आ रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनका रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। अगर बच्चे अगर कमज़ोर अगर नजर आ रहे हैं तो उनको स्पेशल केयर किया जा रहा है। साथ ही साथ अलहुदा इस्लामिक स्कूल यहाँ पर हमने 2015-16-17 में कायम किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब फिल वक्त 5th तक हमारा यहाँ पर एडमिशन है, जिसमें 107 जुमला स्टूडेंट एडमिशन हुआ है। ये कोविड के वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है हर जगह पर, क्योंकि नवंबर दिसंबर में है तो वहाँ पर भी थोड़ी हमारी स्ट्रेंथ, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ कि स्कूल की भी जो स्ट्रेंथ है 107, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्तहिक जो गरीब बच्चे हैं उनको मिनिमम फीस में हम एजुकेशन यहाँ पढ़ते रहे हैं, बहुत ही मिनिमम, जो आसपास के जो गरीब बच्चे हैं वो लोग यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टीचर भी जो है वो भी बहुत कम सैलरी में यहाँ पर वो बच्चों के लिए उनकी तालीम के लिए यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं। मैं तमाम टीचरों को और हेडमिस्टर को यहाँ पर मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कमेटी है और पूरे मेंबर्स और सदर साहब पूरे मुबारकबाद के काबिल हैं कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हैं यतीम खाने में, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, बिल्डिंग बनी है, मदरसा खुला है और बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेंबरशिप को ओपन करना चाहिए ताकि नए लोग आएँ, नए एनर्जिक लोग आएँ, नई सोच आए, नए तरीके से काम उसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे काम यहाँ पे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं उनके हक़ में, ख़ास तौर से सदर साहब के हक़ में, कि उन्होंने काफ़ी टाइम या रोज़ देते हैं और इन्हीं काम करते रहते हैं। आज यतीम खाने की जो है जनरल बॉडी मीटिंग में तमाम मेम्बरान और कमेटी के अहदेदारान तमाम एक साथ में जो है उन्होंने अपना एजेंडा तमाम मेम्बरों के सामने रखा और जो है मेम्बरान अपने जो है डिमांड्स उस कमेटी के सामने रखे हैं। गुलबर्गा ज़िले के
जिले में इसको जो है घूम के फिर के इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए, जहाँ से यतीम और नसीर बच्चों को लाया जाए और अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिया जाए। और इस जगह पे गुलबर्गा में आज जो यतीम खाने की जो जगह है ये बेहतरीन एक आर्ट ऑफ सिटी में है, लिहाजा जो है इसको बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। और हमारी कमेटी से यही उम्मीद है कि इसको जो है अच्छे डेवलप करने की जो है हम डिमांड रखे हैं। आज यतीम खाना अंजुमन अंसार सफ़ा सुन्नी की जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने इस मीटिंग में मौजूद रहे, जिसमें इस मीटिंग में एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट बजट को पेश किया गया और उसके बाद जो है बहुत अच्छी यहाँ पर गुफ्तगु तमाम मेंबर्स और हमारे बीच हुई है और बहुत सारे मशवरे भी मेंबरों ने दिया है। इंशाल्लाह वो तमाम जितने भी मेंबरों के जो मशवरे हैं उस मशवरों के ऊपर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक सिस्टम जो यतीम खाने का जो हमारा एक सिस्टम है अब हैदराबाद कर्नाटका स्टेट में एक मॉडल वफ इंस्टीट्यूट बन चुका है, तो आज लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, इस इदारे की अप्रिसिएट कर रहे हैं, यहाँ के ट्रांसपेरेंसी की अप्रिसिएट कर रहे हैं, यहाँ के जो अकाउंटेबिलिटी जो सिस्टम मॉडल जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अप्रिसिएशन तमाम लोग कर रहे हैं। ये तमाम लोगों की दुआएं हैं, तमाम जितने भी मेंबर्स हैं उन तमाम लोगों के जस्तजू है, उनकी एक अच्छी सोच है जो यहाँ पर इन बच्चों के लिए इस इदारे के लिए इतनी देर से इतनी गर्मी में इतनी धूप में वो लोग यहाँ पर आकर वक्त दिए हैं, उनको यकीनन उनको अल्लाह उनको अजर देगा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम हमारे यतीम खाने कमेटी के साथ वो ताउन करते रहेंगे, अच्छे अच्छे मशवरे यहाँ पर देते रहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे अच्छा काम कर हम यहाँ पर एक मिसाल कायम करेंगे, तो लोग फिर ये कहे कि देखो यहाँ पर गुलबर्गा में एक यतीम खाना भी है, वहाँ पर एक ऐसी कमेटी काम कर रही है जो डेवलपमेंट भी कर रही है, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन कर रही है और यहाँ पर थोड़े बच्चों की स्ट्रेंथ जो कमी की बात थी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एकोमोडेशन करने के लिए फैसिलिटी नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू एकेडमिक ईयर से जो है हम यहाँ पर ज़्यादा बच्चे एडमिशन करने की हमारी अब कैपेसिटी बन चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे अभी 50 बच्चों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। मैं तमाम लोगों से गुलबर्गा के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर यतीम खाने के अंदर आप लोग कोशिश करके बच्चों को अगर आपके आस पास अगर कहीं भी बच्चे अगर नज़र आते हैं तो यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए आप भी अगर कोशिश करते हैं तो आपको भी उसका अजर मिलेगा। मैं तमाम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, तमाम मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके आसपास अगर कहीं अगर यतीम यसीर और मुस्तहिक अगर गरीब बच्चे अगर आपको नज़र आते हैं तो हमें इत्तला कीजिए। और तमाम लोगों का मैं इस मैनेजिंग कमेटी की जानिब से तमाम मेम्बरों का गुलबर्गा की तमाम आवाम का मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पर मौजूद रहे और अच्छे मशवरे दिए और इस मीटिंग को एक कामयाब मीटिंग रही और तमाम लोगों ने अच्छा बढ़ चढ़ कर इस मीटिंग में हिस्सा लिया। तमाम मेम्बरों का शुक्रिया अदा करता हूँ।